लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 14 चैप्टर 3 चल रहा है हमारा ऑडिट एविडेंस। कल हमने इस चैप्टर का स्टार्ट किया था और इसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा था ऑडिट एविडेंस, और इसमें सफिशिएंट एविडेंस क्या होता है, अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन की थी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए कल के लेक्चर में से, ताकि इसके बाद हम आगे चलें। जी कोई क्वेश्चन नहीं, टेस्ट याद कर रहे थे, मतलब तो ये पढ़ना नहीं है, ये भी तो समझना। आपने रीडिंग नहीं की इसकी? देखिए जो डेली लेक्चर होता है ना, इसकी रीडिंग आपने लाजमी करनी होती है, ठीक है। डेली लेक्चर जो है इसको क्योंकि अगला लेक्चर भी इसके साथ लिंक्ड है। अब जाहिर है आज जो मैं कुछ पढ़ाऊंगा उसमें कुछ कंसेप्ट कल वाले लेक्चर के भी होंगे, तो टेस्ट की तैयारी जरूर करें। लेकिन टेस्ट के बारे में आपको पहले से पता है कि वीकली टेस्ट होगा, और ये भी पता है कि पिछले क्या चैप्टर कवर हो चुके हैं और अगले टेस्ट में क्या चैप्टर शामिल होंगे, आपको अंदाजा होता ही है, ठीक है। बल्कि हम भी आपको अभी वो सर्कुलेट कर देंगे कि नेक्स्ट वीक में जो आपका चैप्टर होगा उसमें क्या सिलेबस है। तो पहले से तैयारी स्टार्ट रखें, और टेस्ट की वजह से डेली लेक्चर कंप्रोमाइज ना करें, हरगिज ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी जो अगले लेक्चर्स हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन? ऑब्जर्वेशन इज मोर रिलायबल देन इंक्वायरी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी एक लाइन लिखी हुई है कि डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट एविडेंस, और डायरेक्ट एविडेंस कौन सा एविडेंस होता है जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट, खुद से बजाते खुद, ठीक है, क्लाइंट के थ्रू नहीं। कुछ एविडेंस हमें क्लाइंट के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, जैसे सेल इनवाइसेस, परचेज इनवाइसेस, वो जो डायरेक्ट एविडेंस है वो ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि उसमें क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि क्लाइंट पे हमें शक शुबा होता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना यार, ये हमें एविडेंस देते हो कि गड़बड़ ना कर दे, हमें कोई गलत किस्म का एविडेंस ना दे दे, तो जो एविडेंस हम खुद ऑब्टेन करेंगे जाहिर है उसमें रिलायंस ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में उसने कहा कि ऑब्जर्वेशन इज मोर रिलायबल देन इंक्वायरी। अच्छा, आपने शायद एक, मुझे याद आ गया, एक कहावत है या है अरबी की के कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती, ये सुना आपने? इस पे यकीन करते हैं कि कानों सुनी बात जो होती है वो आंखों देखी जैसी नहीं? अच्छा, इसका क्या मतलब है, आंखों देखी बात ज्यादा रिलायबल है कि कानों सुनी? आंखों देखी बात, ये ऑब्जर्वेशन क्या है, आंखों देखी बात, और इंक्वायरी क्या है, कानों सुनी बात। ऑब्जर्वेशन से जो हमें एविडेंस मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल है। हम अगर क्लाइंट से पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बताओ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कल एक्सप्लेन किया था ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्लाइंट कहता है यस, ये भी एक एविडेंस है, लेकिन ये इंक्वायरी है। अगर हम खुद जाके उस डिपार्टमेंट में देख लें, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिलायबल इंक्वायरी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली हमने खुद देखा, इंक्वायरी हमने क्लाइंट के बंदे से पूछा। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, कंसेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन आज स्टार्ट से ही। दो एविडेंस आपके सामने रख रहा हूं, आपने दोनों में से बताना है कौन सा ज्यादा रिलायबल है, और ये भी बताना है क्यों रिलायबल है, ठीक है, जिसको आता हो हाथ उठाए। पहला एविडेंस है बैंक स्टेटमेंट, और दूसरा एविडेंस है बैंक कंफर्मेशन लेटर। एक मिनट है जी मेरे भाई, बैंक कंफर्मेशन लेटर ज्यादा रिलायबल है बैंक स्टेटमेंट से, क्यों? डायरेक्टली। अच्छा, पहले फर्क सुन लें, बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो मंथली बेसिस पे हर बैंक अपने अकाउंट होल्डर को सेंड करता है। बताइए, बैंक वाला बैंक स्टेटमेंट सेंड करेगा ऑडिटर को सेंड करेगा कि क्लाइंट को? और बैंक स्टेटमेंट अगर ऑडिटर को चाहिए तो उसे किसके थ्रू मिलेगी? क्लाइंट से मिलेगी। और कंफर्मेशन लेटर कौन सेंड करता है? ऑडिटर किसको सेंड करता है? थर्ड पार्टीज को। और इसका जवाब कौन देता है? थर्ड पार्टी डायरेक्टली, इसमें क्लाइंट तो इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए बैंक कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल, शाबाश, देन बैंक कंफर्मेशन मोर रिलायबल देन बैंक स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इनडायरेक्ट एविडेंस है, वो मैनेजमेंट के थ्रू मिला, और बैंक कंफर्मेशन लेटर डायरेक्ट एविडेंस है, वो बैंक डायरेक्ट ऑडिटर को भेजता है ऑडिटर के एड्रेस पे। वो उसमें जो एड्रेस लिखा होता है ना, वो क्लाइंट के ऑफिस का नहीं होता, ऑडिटर के ऑफिस का होता है। तो क्लियर हो गया? डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट एविडेंस। एक एग्जांपल उधर लिखी हुई थी वो बता दी आपको, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन वाली, दूसरी एग्जांपल खुद से बता दी कंफर्मेशन वाली और बैंक स्टेटमेंट वाली। क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर कभी एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में आपसे इसी तरह पूछ लिया जाए, बताओ जरा इन दोनों में से कौन सी चीज, कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, तो इन 5 रूल्स को सामने रख के डिसीजन कर लेंगे कौन सा ज्यादा रिलायबल है, पक्की बात है। चलिए और कोई क्वेश्चन? जी,
लास्ट में जो ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट कहते वो रिपीट कर दूं, टेबल बना के कर दूं? अच्छा चलिए ठीक है, टेबल असल में खुद भूल गया। चलो अच्छा पहले मुझे बताइए सेल्स की एग्जांपल के परचेज की एग्जांपल किसके सेल्स की एग्जांपल। सेल्स की एग्जांपल में आपको पहले पूरा सिस्टम पता होना चाहिए, ब्रीफली ओवरव्यू, के पहले सेल्स ऑर्डर, फिर गुड्स डिस्पैच नोट, फिर उसके बाद सेल इनवाइस रिकॉर्ड होती है टी अकाउंट में, ठीक है। अच्छा अकाउंटिंग के असूल के मुताबिक सेल्स रिकॉर्ड कब होनी चाहिए? जिस दिन गुड डिस्पैच नोट बन जाए, जिस दिन गुड डिस्पैच, उसी दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए। और सेल्स कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए? जितनी गुड डिस्पैच नोट है। अगर गुड डिस्पैच नोट 10 हैं तो टी अकाउंट में कितनी एंट्रीज होनी चाहिए? 10। अगर गुड डिस्पैच नोट 8 हैं, ठीक है, गुड डिस्पैच नोट 12 हैं, 12, सिंपल, इससे एग्री करते हैं। ये जो गुड्स डिस्पैच नोट वगैरह है ना, और दूसरा ऑर्डर वगैरह इनवाइस वगैरह, इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसको क्या कहते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो टी अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है ना, उनको सपोर्ट करती हैं, उनको कंफर्म करती हैं, उनको वेरीफाई करती हैं कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। हमारा ऑडिट में एक सिंपल रूल होता है, हमें सिखाते हैं, एडवांस लेवल पे भी अप्लाई होता है, कि टी अकाउंट में जिस ट्रांजैक्शन की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना वो जेन्युइन है, और जिसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है फ्रॉड। सिंपल रूल, जिसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है वो फ्रॉड। तो हर ट्रांजैक्शन की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होती है। अब सेल्स की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर वगैरह वगैरह, इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अब मैं आपके सामने सिचुएशंस रख रहा हूं डिफरेंट। एज ऑडिटर हमें इंश्योर करना चाहिए कि अगर 10 सेल्स, 10 गुड डिस्पैच नोट है ना, तो 10 ही रिकॉर्ड हुए। इसी को दूसरे एंगल से बोल रहा हूं, अगर 10 सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं तो 10 गुड डिस्पैच नोट होने चाहिए। बोथ वे में काम करना चाहिए ना, जितने गुड डिस्पैच नोट उतनी एंट्रीज, जितनी एंट्रीज उतने गुड डिस्पैच नोट। यानी आइडियली ये होना चाहिए कि गुड्स डिस्पैच नोट और एंट्रीज इन टी अकाउंट मैच होनी चाहिए। इधर अगर 10 है, इसका मतलब है ना तो सेल्स का अकाउंट ओवरस्टेटेड है ना अंडरस्टेटेड है। हमने जब सेल्स का एरिया वेरीफाई करना है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उसके लिए सेल्स का एरिया वेरीफाई करना है और उसके लिए सेल्स की डिफरेंट अजम्पशन वेरीफाई करनी है। अब हम सेल्स का एरिया वेरीफाई कर रहे हैं, इसके लिए हमें ओवर स्टेटमेंट की अजम्पशन वेरीफाई करनी चाहिए अंडर स्टेटमेंट की, के दोनों देखिए, लेकिन दोनों को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है। दोनों को अंडर स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और है, ओवर स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और है। यही कंसेप्ट समझाना है कि आपने अपने मकसद के लिहाज से प्रोसीजर को डिसाइड करना है। जैसे फर्ज कीजिए गुड्स डिस्पैच नोट हैं 8 और टी अकाउंट में एंट्रीज हैं 10, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा रिस्क बढ़ गया, हमें लग रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन फेक रिकॉर्ड हो गई है टी अकाउंट में, ओवरस्टेटेड है। अब आपने ये ओवरस्टेटेड ट्रांजैक्शन को ढूंढना है, या दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, एस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को ढूंढना है कि जिनकी सेल हुई ही नहीं, गुड्स डिस्पैच हुई ही नहीं, वो रिकॉर्ड हो गई है। ये मकसद समझ रहे हैं? हमारा पर्पस क्या है? जो ओवरस्टेटेड ट्रांजैक्शंस है ना दो, वो ढूंढनी है। तो बताइए उसके लिए आपका रेलिवेंट प्रोसीजर आपने डिसाइड करना है। सैंपल कहां से उठाएंगे? रिकॉर्डेड अमाउंट में से या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? टी अकाउंट यानी रिकॉर्डेड अमाउंट, क्योंकि अमाउंट्स में रिकॉर्डेड, क्योंकि वो जो दो ढूंढ रहे हैं ना आप, वो आपको यहां से मिलेंगी। यहां अगर आपने सैंपल उठाया ना गुड्स डिस्पैच नोट में से, तो आपका प्रोसीजर एलिमेंट नहीं है। ये तो ऑलरेडी वो है जो रिकॉर्ड हो चुकी है, ये तो सारी ऑलरेडी, आपने तो वो ढूंढनी है जो रिकॉर्ड हुई है अगर नहीं हुई, यानी उसका गुड डिस्पैच। तो उसके लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? सैंपल कहां से उठाएं? टी अकाउंट में से, और देखें किसका गुड डिस्पैच नोट है किसका नहीं है। जिसके गुड डिस्पैच नोट है वो जेन्युइन है, जिसका गुड डिस्पैच नोट नहीं है फेक है। समझ आया आपको ये? अब आगे चलते हैं। ये था ओवर स्टेटमेंट, अब सिचुएशन को रिवर्स कर रहा हूं। अब हमें अपना पर्पस चेंज कर रहा हूं, अजर्शन चेंज कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि जब अजर्शन या पर्पस चेंज होगा ना, आपका प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा। हालांकि घूमेगा सेल्स के गिरती,
घूमेगा सेल्स के गिरते, लेकिन प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। कैसे? सुनिए, अब गुड डिस्पैच नोट है हमारी 10 और टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है 8। अब इसका मतलब क्या है कि सेल्स अंडरस्टेटेड है। अब हमारा मकसद क्या है? ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढना जो अकर हो गई है, रिकॉर्ड नहीं हुई। फर्क समझ? यहां पे क्या मकसद था? जो रिकॉर्ड हो गई लेकिन अकर नहीं हुई। अब यहां पे क्या मकसद है? ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढना जो अकर हो गई, रिकॉर्ड नहीं हुई। अब बताइए रेलिवेंट प्रोसीजर में सैंपल कहां से उठाएंगे? रिकॉर्डेड अमाउंट से या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से? स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई ना, वो कहां पड़ी हुई है? यहां पे, यहां, यहां से सैंपल उठाएंगे। प्रोसीजर इररेलेवेंट है, क्यों? ये तो ऑलरेडी वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले वाले में हमारा रेलिवेंट प्रोसीजर था, सैंपल यहां से उठाया, इधर चेक किया। दूसरे में रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? सैंपल यहां से उठाया, इधर चेक। ये प्रोसीजर क्यों चेंज हो? क्योंकि हमारी अजर्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये है ए, ये है बी। सिर्फ इसको एग्जांपल दे रहा हूं, ये डोर का एक सिरा, ये डोर का दूसरा सिरा। डोर के एक सिरे से दूसरे ए से बी की तरफ जाएंगे, कोई और एविडेंस मिलेगा, और बी से ए की तरफ जाएंगे, कोई और एविडेंस मिलेगा। अब आखिरी लाइन बोल, अगर ये समझ आ गई तो सारा कंसेप्ट समझ आ गया। अगर आप रिकॉर्डेड अमाउंट का सैंपल सेलेक्ट करके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मैच करें तो इससे कोई और एविडेंस मिलता है, लेकिन स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से सैंपल सेलेक्ट करके रिकॉर्डेड अमाउंट की तरफ जाएं, कोई और एविडेंस मिलता है, ठीक है। मैं एविडेंस की का नाम नहीं बता रहा, ओवरस्टेटमेंट या अंडरस्टेटमेंट ये नहीं बता रहा, लेकिन अगर शार्प स्टूडेंट है ना कोई, वो समझ जाएगा कि जब हमने ओवरस्टेटमेंट को चेक करना होता है कि कहीं ओवरस्टेटेड तो नहीं है, तो हमने सैंपल रिकॉर्डेड अमाउंट यानी टी अकाउंट से उठा के स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक करना, और जब हमें अंडरस्टेटमेंट को देखना होता है डोर एक ही, ट्रांजैक्शन एक ही है, प्रोसीजर डिफरेंट है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव हमें बताएगा हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, ठीक है भाई। ये समझ आ गई बात? चलिए, देखिए आगे इससे फर्दर जो इम्प्लीकेशंस इसकी और भी हो सकती हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे, अभी उनकी तरफ ना जाएं। अभी मैंने आपको आपको शायद जेन से निकल गया, कल मैंने बातों बातों में जिक्र किया था कि किसी भी एरिया को कितनी दर्शन होती है, किसी भी एरिया की काफी ने 6 बताया था, मैंने 6 दर्शन बताया था, 6 दर्शन होती हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 का जिक्र किया है, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट, तो इसका मतलब कहानी अभी बाकी है, ठीक है, लेकिन वो अभी तो सारी नहीं ना बतानी, ठीक है, वो हाँ वो इसी चैप्टर में आगे चल के हम कवर करेंगे। फिलहाल जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट था ना इस, वो यही था कि हमने एरिया को वेरीफाई करना है तो डिफरेंट अजर्शंस होती हैं उसकी, ठीक है, और हर अजर्शन के लिए प्रोसीजर अलहदा हो सकता है। जैसे आपने देखा अंडरस्टेटमेंट के लिए कोई और, ओवरस्टेटमेंट के लिए कोई और, प्रोसीजर एलिमेंट। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अच्छा, इसके बाद 2-3 और भी थे, 2-3 पॉइंट और भी थे। जी जी, चैप्टर 2 से पूछ ले। जी जी जी, हाँ वो लीगल रिक्वायरमेंट में आती है ना, वो लीगल रिक्वायरमेंट, हाँ वो जनरल है, वो जनरल है। उनका क्वेश्चन ये है कि सर हमने ये स्टडी किया था ISAs की कंप्लायंस में, कि हमने हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, स्वाय उस वक्त जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो या नॉट प्रैक्टिकल। कहते हैं लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि सर कभी कभी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी तो होती हैं, वो भी तो एक्सेप्शन हो सकती हैं। याद रखिए लीगल रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली काम ज़्यादा करने को कह रही होती हैं, काम करने को नहीं कह रही होती। जैसे पाकिस्तान में लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना, वो अक्सर हमें ये कहती हैं ISA की भी काम करो, मेरा ये काम भी करो, वो ये नहीं कभी कहती, नॉर्मली ये नहीं कहती कि जी ISA के ये काम छोड़ो, ये नहीं करने तुमने, नहीं, वो कहते हैं वो भी करो ये भी करो दोनों।
जी और क्या क्वेश्चन? कोडिड का वो सिर्फ याद करने के लिए एक लफ्ज बनाया हुआ है, सी ओ डी, डी सी से कंट्रोल्स, ओ से ओरिजिनल, डी से डायरेक्ट और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्री। हाँ याद करना हो तो कर ले, नहीं याद करना तो अपने किसी तरीके से याद कर ले, कोई इशू नहीं। और क्या क्वेश्चन जी? हाँ हाँ, रेलिवेंट कल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसमें तीन पॉइंट्स रह गए थे, ठीक है? कौन कौन सा पॉइंट रह गया था? हाँ अच्छा, पहले देखें चार रेलिवेंस का पहला पॉइंट समझ आ गया क्या, के ओवरस्टेटमेंट। अब सुने अगला, हमने एक एरिया में डिफरेंट अजर्शन को वेरीफाई करना है, एग्रीड? क्या सारी अजर्शन एक ही प्रोसीजर से वेरीफाई हो जाएगी कि हर प्रोसीजर, हर अजर्शन के लिए हो सकता है डिफरेंट प्रोसीजर हो? जैसे अगर फिक्स एसेट, आप फिक्स एसेट को वेरीफाई कर रहे हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट अजर्शन है। जैसे हम ये भी चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट लिखा हुआ है एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और ये भी चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है तो क्लाइंट का ही है कि नहीं, या बिल्डिंग है रेंट की तो नहीं है, क्लाइंट के, दोनों चीज चेक करनी चाहिए, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये भी चेक करना चाहिए, और क्लाइंट की ओनरशिप है कि नहीं ये भी चेक करना चाहिए। अब आप बताइए, एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, एग्जिस्टेंस की दर्शन को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? जाके फिजिकली चेक कर लेंगे, जिसे हम फिजिकल इंस्पेक्शन या फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं, और ये क्लाइंट की ओनरशिप है, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। शाबाश, ठीक है, दोनों के लिए डिफरेंट प्रोसीजर। तो अगला अगला कंसेप्ट उसने मैं ये बताया कि डिफरेंट अजर्शंस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर हो सकता है एक अजर्शन के लिए तो रेलिवेंट है, दूसरे के लिए रेलिवेंट। जैसे फर्ज कीजिए आपका अगर सीनियर आपको ये कहे कि जाओ देख के आओ एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और आप टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखा है, आपने रेलिवेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया? नहीं। हो सकता है क्लाइंट के पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स हो बुक और रजिस्ट्रेशन की, लेकिन गाड़ी चोरी हो गई हो, ठीक है? तो एग्जिस्टेंस के लिए, और क्लियर? अब इसके बाद अगले दोनों पॉइंट्स इकट्ठे समझा रहा हूं। मुझे ये बताइए, ये हमारा काउंटिंग सिस्टम में ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना सिस्टम, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये ट्रांजैक्शंस, और शाबाश, ये इंटरनल कंट्रोल। अच्छा बताइए, हमने ओपिनियन किसके ऊपर देना है? इंटरनल कंट्रोल पे तो नहीं, तो इसका मतलब ये क्या ये हुआ कि हमें इंटरनल कंट्रोल को कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए? इसको भी कवर करना चाहिए, अच्छे से कायम रहिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो हमने वेरी करना ही करना है, वो तो मरते मर जाए इसको जरूर वेरीफाई करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स की भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, इसलिए नहीं कि ओपिनियन देना रिपोर्ट में, बल्कि अपने पर्पज के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए। हाँ जी, रिस्क असेसमेंट, ठीक। अब मुझे ये बताएं, अगर हम ये देखना चाहते हैं इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस ढूंढना चाहते हैं, हमें सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए, किस में से, इंटरनल कंट्रोल में से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से? सिंपल। और अगर आप मिस स्टेटमेंट्स ढूंढना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यही कंसेप्ट है कि अगर आपका पर्पस ये है, आपने ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल सही ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो आप इंटरनल कंट्रोल में से सैंपल सेलेक्ट करके तो फिर देखें कि कंट्रोल्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर डिसाइड किया उनके मुताबिक ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से मिस स्टेटमेंट ढूंढना चाहते हैं तो फिर आपने सैंपल किसका सेलेक्ट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होने वाली ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली अमाउंट्स का, अमाउंट्स का। समझ आ गए? अच्छा, अगर समझ आ गई तो मुझे ये बताइए, मैं आपके सामने प्रोसीजर रखूंगा, आपने बताना है कि ये प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए रेलिवेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए रेलिवेंट है। मैंने सेल्स इनवाइस उठाई, सैंपल उठाया सेल इनवाइस का, और चेक किया कि जो सेल इनवाइस के ऊपर अमाउंट है सेल्स अकाउंट में वही अमाउंट गई है। शाबाश, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। अगर मैंने, क्लाइंट ने पेरोल शीट प्रिपेयर की है उसकी बेस पे एंट्री डाली है, मैंने पेरोल का सैंपल सेलेक्ट किया, पेरोल शीट का, मैंने कहा जी मार्च के महीने की पेरोल शीट लाओ, पेरोल शीट मेरे सामने आई, मैंने चेक किया कि क्या ये एक सीनियर बंदे ने इसको रीचेक करके अप्रूव किया है कि नहीं, उसके साइन मौजूद है कि नहीं,
ये इंटरनल कंट्रोल, इसका मतलब है साइन चेक करना, अप्रूवल चेक करना, ये इंटरनल कंट्रोल चेक करने के बराबर है। और अगर मैं ये देखूं कि मार्च के महीने की ये पेरोल है, तो इसके ऊपर पेरोल शीट के ऊपर जो अमाउंट आ रही है वही अमाउंट सैलरीज एक्सपेंस में गई है कि नहीं, ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वेरिफिकेशन, समझ आ रहा है? तो याद रखे हमारे ऑडिट में दो मकसद होंगे, कभी हम इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर रहे होंगे, कभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे होंगे। सिंपल आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है, अगर आप किसी ऐसी चीज की वेरिफिकेशन कर रहे हैं अमाउंट्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रही हैं, अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली अमाउंट्स की, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन है। उसको एक खास नाम देते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो हम पढ़ेंगे आगे। और अगर आप वेरिफिकेशन करें क्लाइंट के बनाए हुए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स की, उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इंटरनल कंट्रोल। अच्छा बताइए क्लाइंट एम्प्लॉइज टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, शाबाश इंटरनल कंट्रोल, ठीक है जी। चलिए ये सिर्फ और आगे एग्जांपल आएगी, बढ़िया एग्जांपल आएगी, अभी सिर्फ ये एक दो एग्जांपल के साथ कंसेप्ट बिल्ड करना था, हल्का हल्का बस हो गया काफी है। अब ये सारी हो गई चारों पॉइंट्स, चलिए इसमें सबसे अच्छा मैं फिर आपको बता दूं रेलिवेंस वाला कंसेप्ट एग्जाम में उसने नहीं पूछा हुआ, ठीक है। इसके चार पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा अगर पूछे ना तो सिर्फ वो उसकी डेफिनेशन के लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन अजर्शन एंड प्रोसीजर बस, लेकिन हमने चूंकि कंसेप्ट इसके ऊपर बेस कर रहे हैं आगे, इसलिए मैंने इसको आपको खोल के समझा दिया एक एक पॉइंट को, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि इसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे पास्ट पेपर्स में, हैं, जो कि हमारी परंपरा के खिलाफ है। हम तो हर लेक्चर के बाद कोशिश करते हैं ना एंड में क्वेश्चंस करने, तो अगर किसी वजह से किसी दिन नहीं डिस्कस हो कोई मसला नहीं, अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, तो चलिए डिस्कस करते हैं, ये पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा मीनवाइल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप इंटरनल कंट्रोल्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग-अलग अलग-अलग कर रहे हैं और इनकी चेकिंग भी अलग-अलग अलग-अलग करवा रहे हैं फेजेस में हमसे, लेकिन असल में तो ये क्या ये दोनों इकट्ठे जुड़े नहीं हुए कि जब कभी मिस स्टेटमेंट होगी लाजमी है कि कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, या जब कभी इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो लाजमी है कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट होगी। अच्छा याद रखें दोनों में क्लोज रिलेशनशिप जरूर है, यानी ज्यादातर ऐसे होता है कि जब इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो उसके नतीजे में कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट भी होगी, ठीक है, और जब कोई मिस स्टेटमेंट होगी तो ज्यादातर चांस यही है कि कोई ना कोई कंट्रोल भी वीक होगा, लेकिन हमेशा ऐसा हो लाजमी नहीं है, ठीक है, इन दोनों में रिलेशनशिप जरूर है। इसीलिए तो हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल वीक होने की वजह से रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा, इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल वीक होने से गलतियां होती हैं, लेकिन हम वर्ड यूज करते हैं रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, कंफर्म नहीं करते। इसको एक एग्जांपल से सुनिए, फर्ज कीजिए कि इस रूम में बहुत से इन्वेंट्री पड़ी हुई है और दरवाजे पे कोई लॉक ही नहीं है, कोई गार्ड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी चोरी नहीं की, पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूं मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल तो है ना, हो सकता है। अगर फर्ज कीजिए कि कोई इन्वेंट्री चोरी नहीं हुई, लॉक सिस्टम नहीं था कोई, लेकिन फिर तो इंटरनल कंट्रोल वीक है, मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि चांसेस होते हैं कि जब कभी इंटरनल कंट्रोल, तो हम मैनेजमेंट को रिकमेंड करते हैं कि यार कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग करो, अगर अभी मिस स्टेटमेंट नहीं हुई तो कोई नहीं, लेकिन आइंदा तो हो सकती है। तो याद रखिए लाजमी नहीं है कि जब कभी इंटरनल कंट्रोल वीक हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट भी हो, लाजमी नहीं है, अक्सर होगा। और इसी तरह जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट हो, लाजमी नहीं कि कोई ना कोई कंट्रोल वीक है, अक्सर होगा लेकिन लाजमी नहीं, क्लियर हो गया। चलिए ह्यूमन एरर बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ जी। लाइट्स वाला देखें, जी पहला असल में क्वेश्चन समटाइम होते हैं सिंपल हैं, लेकिन उनमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करवाना होता है, क्योंकि हमने जो सारे 400-500 सफे पूरे सेशन में पढ़ लिए ना, वो इतने अहम नहीं होते जितने अहम 4-5 सफे वो क्वेश्चन पेपर के होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जो जो अल्फाज आया होता है हमारे लिए, आपको पता है वो बड़ा मुकद्दस होता है, अहम होता है, और उसमें समटाइम एक एक लफ्ज की वजह से रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो आपको ये भी ना सिर्फ ये कंसेप्ट समझाना है, बल्कि इनका मकसद क्या होता है, आपको ये बताना कि एग्जाम में जाके आपके सामने ये सेंटेंस आएंगे, आपने अल्फाज को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे एनालिसिस करना। क्वेश्चन वन कह रहे जी ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ, डिस्क्राइब का मतलब हमें एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, हाउ एन ऑडिटर इवैल्यूएट्स द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अच्छा सफिशिएंस ऑडिट एविडेंस से आपको पता चल गया सफिशिएंसी से, ये हमारा उसने चैप्टर 3 में से क्वेश्चन पूछा ऑडिट एविडेंस से। अच्छा बताइए सिर्फ सफिशिएंसी के पॉइंट लिखेंगे कि एप्रोप्रिएटनेस के भी, सफिशिएंसी के, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आपको याद है वो रेस और मटेरियल, हां
ठीक है, यहाँ पे चूंकि मार्क्स ज्यादा है, नॉर्मली वैसे पूछता नहीं, नॉर्मली लिस्ट ही देता है, यहाँ पे उसने डिस्क्राइब करने को भी कह दिया। डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिस्क को डिस्क्राइब कीजिए, इफ रिस्क इज हाई मोर एविडेंस विल बी सफिशियंट, बस। अच्छा एक मिनट, कहने लगा सर इफ रिस्क इज हाई मोर एविडेंस इज सफिशियंट, ये तो लिख दिया, क्या ये भी लिखे इफ रिस्क इज लो लो एविडेंस विल बी सफिशियंट, दो भाई हाँ ये लिखने की भी जरूरत, आपने एक एंगल से भी एक्सप्लेन कर दिया ना, काम हो गया। हाँ जी, ज्यादा ज्यादा वाइस वर्सा, लेकिन वाइस वर्सा लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रही काफी है, इतना ही डिस्क्राइब कर दे चार नंबर में, और क्या कुछ दे उसको, भाई क्लियर हो गया ये, आगे चलते हैं। क्वेश्चन टू, स्टेट डिस्क्राइब करने का नहीं करा, स्टेट करो, लिस्ट करो, आइडेंटिफाई करो, मतलब सिर्फ हेडिंग दे दो, किस चीज की हेडिंग दे जी, एनी टू फैक्टर्स विच साइटर शुड कंसीडर टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। हाँ जी, ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, बस एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, एग्जाम में दो एग्जाम्पल दे दूं कि तीसरी बिल, अगर मेरे पास टाइम है, टाइम हुआ तो, वरना नहीं, चार महीने नहीं होते, तीन घंटे होते। नेक्स्ट, डिस्कस द फैक्टर्स, इसका मतलब है कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देनी होगी, दैट इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स जजमेंट एज टू व्हाट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कह रहा है फैक्टर्स बताइए जो अफेक्ट करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा आपको लग रहा होगा कि मार्क्स ज्यादा है, मुझे लग रहा है मार्क्स कम है, क्योंकि हाँ सब कुछ पूछ रहा है, शाबाश, सफिशिएंसी के पॉइंट भी पूछ रहा है, अप्रोप्रिएटनेस के पॉइंट भी पूछ रहा है, छह मार्क्स के साथ। अब देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये चीज तो कंफर्म है, सफिशिएंसी को भी बताएंगे, अप्रोप्रिएटनेस को भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा सफिशिएंसी में लिस्ट दे दी, खत्म, अप्रोप्रिएटनेस में रेलिवेंस और रिलायबिलिटी दोनों बताएंगे, बताएंगे दोनों, रेलिवेंस की डेफिनेशन, रिलायबिलिटी की, वो रेलिवेंस बताए लॉजिकल कनेक्शन वाली बात, और रिलायबिलिटी में कहता है सोर्स, नेचर, सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद पॉइंट्स कितने बताएंगे, सुने, मैं अगर एग्जाम में बैठा हूं ना, मैं को यार वो तो चलो सफिशिएंसी वाले तो छोटे छोटे पॉइंट थे, अल्फाज थे, वो तो निमट गए, ये रिलायबिलिटी वाला एक एक लाइन है, पांच लाइनें, अगर पांच लाइनें इधर मैं देता हूं तो फिर उसके बाद रेलिवेंस वो भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, सात आठ लाइनें उसकी हो जाएंगी, ओवर हो जाएगा। यहां पे मैं क्या डिसीजन करूं, अब देखिए अगर सारा लिखता हूं ना तो मेरा मटेरियल ओवर हो जाएगा, मैं क्या लिखूं, पहली ऑप्शन रेलिवेंस रिलायबिलिटी में से एक चीज लिख दूं, दूसरी स्किप कर दूं, दूसरी ऑप्शन दोनों को आधा आधा लिखूं, ये चीज दोनों को आधा आधा लिखा, दोनों को आपने समझ करके आधा, ताकि उसका क्वेश्चन की कवरेज पूरी हो जाए, क्वेश्चन की कवरेज पूरी हो जाए, क्योंकि सिक्स मार्क्स के साथ सफिशियंट अप्रोप्रिएट उसने सारा कुछ पूछ लिया है, ये ज्यादा है, मैटर ज्यादा है हमारा भाई, कैसे हैंडल करना समय लग, तो आइंदा जब कभी भी याद रखें, आपको अगर इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े ना, मैटर ज्यादा है, तो आपने कवरेज की तरफ जाना है, डेप्थ की तरफ नहीं जाना, समझ रहे हैं? ये पेपर पास कर, हाँ दुनिया का हर पेपर पास करने का असूल है, कि बजाय ये कि सिलेबस के किसी एक हिस्से के अंदर घुसे आप उसकी चिपची करके रख दे, उससे ज्यादा बेहतर है उसको मॉडरेट लेवल पे रखें, कवरेज की तरफ जाएं, ज्यादा चीजें कवर करें, बजाय ये कि कुछ चीजों के एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है। तो एग्जाम में जब हम अटेम्प्ट करते हुए भी इसी तरह, बजाय ये कि मैंने आपको बताया था शायद एक एग्जाम में उसने बताया, एग्जामिनर ने, उसने कहा हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक छह सवाल थे, एक जिसने तीन छह में से तीन क्वेश्चन परफेक्ट किए, दूसरा वो स्टूडेंट जिसने छह के छह क्वेश्चन किए आधे आधे, कौन पास होगा भला, छह वाला, हालांकि तीन वाले का शायद परफेक्ट उसने पता नहीं किस लेवल पे प्रिपरेशन की होगी, उसको बाकी भी आते होंगे, लेकिन हाँ नंबर तो। और याद रखे एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर क्वेश्चन के शुरू के मार्क्स लेना आसान होते हैं, हर क्वेश्चन के शुरू के मार्क्स लेना आसान, दस नंबर का क्वेश्चन है शुरू के छह नंबर लेना आसान है, उसके बाद ऊपर वाले दो नंबर सात आठ मुश्किल है, और नौ और दस तो किस्मत वाले को मिलते हैं, तो इसीलिए अगर आप हाँ छह सात आठ तक रखें, आठ तक टारगेट, चलिए ये क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट, चलिए इतना ही काफी है, कल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड यही क्वेश्चन थे, अब आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, ये पास कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं आज के अपने फ्रेश कंसेप्ट की तरफ, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, फिर पढ़ा ऑडिट एविडेंस को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, भाई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कैसे करेंगे, कैसे करेंगे प्रोसीजर परफॉर्म करके, प्रोसीजर क्या होते हैं, कौन से प्रोसीजर, ये हम आज स्टडी करेंगे। जिस तरह हर प्रोफेशनल के कुछ ना कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे डॉक्टर उसने ऑपरेशन करना है
कुछ ना कुछ प्रोसीजर होते हैं ना, वो सुई धागा छुरी कैंची चाकू बम टोका जो कुछ भी उसके उसके टूल्स हैं। उस प्रोफेशन में जो सीखने वाले लोग होते हैं उनको बताया जाता है कि ये क्या टूल्स हैं, किस पर्पज के लिए हैं और किस जगह पे इनका इस्तेमाल करना है। उसी तरह हमारे ऑडिट प्रोफेशन में भी हमारे सीनियर्स ने हमें टूल्स बताए हैं कि आपने जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है आपके पास कितनी तरह के प्रोसीजर्स हैं और कौन से प्रोसीजर को आपने किस तरीके से और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सीख लेंगे ना उसके बाद आपकी जजमेंट होगी कि आप जिस एविडेंस ऑब्टेन करना है तो उस जगह पे आप जो भी मुनासिब समझे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि प्रोसीजर कितने हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये समझ ले आपको जंग पे मैदान जंग में भेजने से पहले सारे हथियारों की तफसील बताई जा रही है। ठीक है, ताकि उधर मौके के मुताबिक जिस जगह पे जो भी आपने वेपन यूज करना हो आप कर लें। तो अब हमारे कितने प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं? सात। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, इनको आपने एज इट इज याद करना है, इनको इजी इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नेम है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, पहले ब्रीफली आपको बता दूं, ब्रीफली इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछना। ठीक है, पूछताछ, इंक्वायरी करना, सीएफओ से इंक्वायरी की या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय से इंक्वायरी की, इंक्वायरी पूछना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? खुद देखना, खुद देखना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन का मतलब हाँ, चेक करना। इंस्पेक्शन दो तरह से यूज होता है, एक डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, एक फिजिकल एसेट्स को चेक करना। दोनों के लिए इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन आपने यूज सुना था। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन का मतलब है क्लाइंट ने कोई कैलकुलेशन की उसको हम दोबारा चेक कर रहे हैं। रीपरफॉर्मेंस, क्लाइंट ने कोई काम किया उसको हम दोबारा कर रहे हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टीज को रिटर्न फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म। एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिसिस करके हमने एविडेंस ऑब्टेन किया। अब ये ब्रीफली बताया, आपको समझ नहीं आई होगी तो तसल्ली से पढ़ते हैं। खास तौर पे याद रखें ये कंसेप्ट तो शायद ना पूछे, एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमारे काम आएंगे। सबसे पहले इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछना। इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हासिल करना। किससे? नॉलेजेबल पार्टीज से। ये नॉलेजेबल पार्टीज कौन हो सकती हैं? ये विद इन द एंटिटी भी हो सकती है, आउटसाइड द एंटिटी भी हो सकती है। और ये इंक्वायरी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन 90% केसेस में इंक्वायरी होगी विद इन द एंटिटी और ओरल होगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ने हमें दिया हुआ ऑप्शन दी हुई है, लेकिन नॉर्मली इंक्वायरी विद इन द एंटिटी होती है, ओरल होती है, कभी कभी रिटन भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन। सुना आपने लफ्ज कभी? रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो इंक्वायरी क्या है? मैनेजमेंट से रिटन फॉर्म में, सॉरी ओरल फॉर्म में इंफॉर्मेशन हासिल करना। जैसे फर्ज कीजिए आप सीएफओ के पास गए, क्या पूछेंगे? कोई इंक्वायरी थी, क्या हाल चाल है? इसका ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, इररिलेवेंट प्रोसीजर, जीरो मार्क्स जी। कहां कमाया, कहां लगाया? नहीं नहीं, स्पेसिफिक इंक्वायरी, स्पेसिफिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फ्रेमवर्क कौन सा आपने अप्लाई किया? शाबाश, करेक्ट। और कंट्रोल सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं? और अब बोनस इस दफा दिया है कि नहीं एम्प्लॉयज को? दिया है तो किस रेट पे दिया है, किसको दिया है? इस साल का प्रॉफिट क्या है? वो कहेगा सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख ले। क्या ऐसे बोंगे सवाल था ना, प्रॉफिट क्या है? वो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने रखी है, देख लो प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट है। क्या बताइए? जो कोई भी तीन इंक्वायरी पूछेगा सीएफओ से जो रेलिवेंट ऑडिट होगी, 50 रुपए ना जी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं? शाबाश, एक इंक्वायरी। प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं? दो इंक्वायरी। बोनस पे किया कि नहीं? तीन इंक्वायरी। भाई लादा लादा किया, एक ही स्टूडेंट ने बताना। और एक मिनट उनको जी, सैलरीज में इंक्रीमेंट क्यों आया, किस रेट पे दिया? शाबाश। और कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केसेस हैं? ये पूछेंगे। ठीक है जी, नहीं इंक्वायरी से नहीं, लॉयर भी बताएगा, सीएफओ को भी तो बताओगा, उसके जो वकीलों के खर्चे हैं, पेमेंट जा रही है सीएफओ के साइन होकर, पेमेंट नहीं जा रही होगी,
तो सीएफओ को भी पता होगा, उससे भी पूछ सकते हैं पिछले साल के सर डेटर्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। शाबाश, ये भाई को दीजिए प्राइस, ये भाई को दीजिए, उन्होंने बताया। हाँ, क्या ये पूछ सकते हैं कि जूनियर एम्प्लॉयज की तरफ से कोई फ्रॉड सामने? बिल्कुल पूछ सकते हैं। याद रखें, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट कोई भी इंक्वायरी आप पूछ सकते हैं। एम्प्लॉयज कितने हैं इस दफा, कितने इंक्रीज हुए, क्यों क्यों एम्प्लॉयज को बढ़ाया गया, ठीक है? हाँ जी, यह है सीखिंग। याद रखिए, ये हमारा सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है, ठीक है? हम सीएफओ के साथ एक चाय का कप पीने बैठते हैं ना, तो कप खत्म होते से पहले पहले 20 तरह की इंक्वायरी कर चुके होते हैं उनसे। हाँ जी, और कुछ ना हो ये तो जरूर पूछते हैं, सर आपकी सैलरी क्या है? और देखे, क्लास में कभी किसी टीचर ने आपको नहीं बताई होगी सैलरी, लेकिन सीएफओ बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आपने वेरिफिकेशन करनी है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। आगे चले। अच्छा, इंक्वायरी सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला लेकिन सबसे कम रिलायबल है, लीस्ट रिलायबल प्रोसीजर है, ठीक है? लीस्ट, इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहते हैं, इंक्वायरी अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी किसी भी एरिया पे जब आपने एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी से सारा एविडेंस नहीं ले लेना, इंक्वायरी के साथ साथ आपको दूसरे प्रोसीजर भी ऐड करने पड़ेंगे। इंक्वायरी अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, बाद की ना मुकर भी सकता है बाद में, ठीक? इंक्वायरी और इंक्वायरी की रिलायबिलिटी भी इफेक्ट करती है इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी से, ठीक है? इंक्वायरी की एक एग्जाम्पल आपको दी ना, अगर रिटर्न फॉर्म में हो ना, इसकी एक एग्जाम्पल हमारी मैनेजमेंट से हम जबानी कला में पूछे, सर कितने केस आपकी कंपनी के खिलाफ फाइल हुए हैं? 4। अगर हम उनसे कहें इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे, तो उसे फिर कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो भी इंक्वायरी की एक किस्म है। लेकिन याद रखें, ये इंक्वायरी या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक तो वैसे कम रिलायबल है ना, ये क्यों कम रिलायबल है? रीजन बता रहा है, इसकी रिलायबिलिटी इफेक्ट होती है इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, कि जो बंदा आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है वो फ्रॉडिया हो तो उसकी रिलायबिलिटी जीरो हो जाएगी। अगर उसने जो हमें इंक्वायरी बताई वो किसी दूसरे सोर्स से पता चला इनकंसिस्टेंट है, तो उसकी रिलायबिलिटी, फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, फिर इंक्वायरी से तो एविडेंस आना मिला। इसीलिए इंक्वायरी सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी से ये लीस्ट रिलायबल है, सिर्फ इंक्वायरी अलोन नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने ना अपने जहन में अगर जाके एग्जाम्पल्स खुद से बनाए, अच्छा अगर मैं कैशियर के पास जाऊंगा उससे क्या क्या इंक्वायरी कर सकता हूँ कैश के बारे में, अगर मैं इन्वेंट्री वेयरहाउस मैनेजर के पास जाऊंगा उससे क्या क्या इंक्वायरी कर सकता हूँ इन्वेंट्री के बारे में, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा उससे क्या क्या इंक्वायरी कर सकता हूँ इंप्लॉयज के बारे में, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा उससे क्या क्या, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप में सब्सटेंटिव प्रोसीजर ड्राफ्ट करने की उतनी ज्यादा एबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है? इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, लीगल केसेस क्योंकि फेवरेट एग्जाम्पल आई कैप, इसलिए वो, और अनयूजुअल पेमेंट। अगर हमने कैश बुक देखी उसमें कोई बड़ी बड़ी पेमेंट्स नजर आ रही हैं, सीएफओ जाके पूछेंगे भाई कि किसको पेमेंट किया जाए। हियर ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी क्लियर, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑन गोइंग प्रोसीजर को देखना, लुकिंग एट ऑन गोइंग प्रोसीजर्स। इंक्वायरी का मतलब था पूछना, ऑब्जर्वेशन का मतलब है देखना प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है? लेकिन याद रखें, यह है टू लुक एट ऑनगोइंग प्रोसीजर, उसमें टांग नहीं डाली हमने, सिर्फ देखना है, ठीक है? जैसे फर्ज कीजिए हम ये देखने के लिए गए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं कैश डिपार्टमेंट में, तो हम कैश डिपार्टमेंट में जाके उस सिर्फ देखेंगे, हाँ इधर एक बंदा इधर एक बंदा, ठीक है, खुद जाके कुछ काम नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? क्लाइंट, हमने सीएफओ से पूछा, सर हर मंथ एंड पे स्टॉक अकाउंट करते हैं? उसने कहा यस करते हैं। कौन सा एविडेंस है, कौन सा प्रोसीजर है? हमने कहा अच्छा ठीक है, आज महीने की आखिरी तारीख है, हम भी जाएंगे डिपार्टमेंट इन्वेंटरी डिपार्टमेंट देखेंगे, हाँ चेकिंग हो रही है कि नहीं। उधर जाके हमने देखा चेकिंग हो रही है कि नहीं, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, प्रॉपर नंबरिंग हुई है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन। जिस तरह इंक्वायरी में मसला है कि ये लीस्ट रिलायबल एविडेंस है, ऑब्जर्वेशन में भी एक मसला है, ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए रिलायबल है जब तक आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अहम पॉइंट है, सुनिएगा, ये आगे चल के एक एडवांस कंसेप्ट के साथ लिंक करूंगा, कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, आपको जो चीजें इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ये एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए तो वैलिड है, लेकिन पिछले पूरे साल में ये काम होता रहा कि नहीं, उसके लिए वैलिड नहीं है। यानी अगर मैं नवंबर एंड पे जाके चेक कर रहा हूं स्टॉक अकाउंट हो रहा है, इसका यह मतलब है कि नवंबर एंड पे तो स्टॉक अकाउंट हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पिछले हर महीने भी होता रहा है। ऑब्जर्वेशन इज लिमिटेड एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, खासतौर पर जब लोगों को पता चलता है ना कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल साहब आके देखें कि जी मैं सही लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ठीक है? हाँ, ऐसा
मास्क पहने के, अगर हमें पता चल जाए प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, सारे मास्क पहन के बैठ जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल साहब आएंगे वो देखेंगे मास्क पहने, वो कहेंगे कंट्रोल बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्या उनके ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ इसी टाइम तक लिमिटेड है? इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट में भी यही कंट्रोल इसी तरीके से अप्लाई होता रहा है। ऑब्जर्वेशन की लिमिट समझ आ गई। ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल क्या है? क्लाइंट इन्वेंटरी काउंट कर रहा है और हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि क्लाइंट को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी इंप्लाइज को, उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्टॉक काउंट कर रहे हैं कि नहीं। फिर कैश रिसीविंग के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या के रिसीव करने वाला और रिकॉर्ड करने वाला बंदा अलग अलग है कि नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एम्प्लॉइज को वेजेस पे करने से पहले उनका कार्ड चेक किया जाता है कि जेन्युइन एम्प्लॉई है, जेन्युइन एम्प्लॉई है। हाँ जी, तो नहीं बैंक अकाउंट में चले गए, कुछ कैश में पेमेंट होती है। अच्छा, फिर इसके बाद है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? चेक करना, एग्जामिन कर, दो चीजें, एक डॉक्यूमेंट और दूसरा टेंजिबल एसेट्स। क्लाइंट सीएफओ से पूछा, हाँ भाई हर मंथ एंड पे स्टॉक अकाउंट करते हो? जी करता हूँ। कौन सा एविडेंस, कौन सा प्रोसीजर है? इंक्वायरी, जाके ऑब्जर्व किया स्टॉक अकाउंट हो रहा है कि नहीं, और हमारा दिल किया, हमने कहा जरा हमें भी आप लिस्ट दीजिए ना स्टॉक की, हम भी देखें कि स्टॉक पूरा है कि नहीं। अब अगर हम खुद से भी चेक करना शुरू कर दें, ये फिजिकली ये इंस्पेक्शन है। ऑब्जर्वेशन में हम दूर दूर से देखते हैं, इंस्पेक्शन में हम खुद से प्रोसीजर में इन्वॉल्व होकर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्पेक्शन स्टॉक शीट से, ठीक है जी। इंस्पेक्शन समझ आ गया? इंस्पेक्शन रिकॉर्ड की भी हो सकती है और फिजिकल। सीसीटीवी कैमरा, अच्छा वो डिपेंड करता है सीसीटीवी कैमरा किसका है। अगर सीसीटीवी इन्वेंटरी वेयरहाउस में सीसीटीवी कैमरा को यूज किया जा रहा है क्लाइंट का है, तो वो इंटरनल कंट्रोल है, वो तो हमारे प्रोसीजर में होगा ही नहीं। अगर हमने ड्रोन कैमरा उड़ाया हुआ है तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उनको हाँ हाथ लगा के देख तो नहीं रहा, ठीक। अच्छा, अगर इसी तरह अगर मैं पूछूं सर सेल इन वाइसिस को कोई दूसरा बंदा अप्रूव कर रहा है, रीचेक कर रहा है, सेफ होने का कर रहा है, ये क्या इंक्वायरी? मैं इंक्वायरी सेल डिपार्टमेंट जाके मैंने देखा दो बंदे थे, पहले ये इनवाइस प्रिपेयर करता है, ये उसको रीचेक करता है, फिर मैंने कहा ये सेल इनवाइस दिखाओ तो सही, जरा मैं देखूं। नॉर्मली अगर पास ऑब्जर्वेशन से करंट ट्रांजेक्शन का पता चल जाता है चेक हो रही का नहीं, अगर पिछले महीनों के ट्रांजेक्शन आपने देखने हैं तो फिर इंस्पेक्शन को यूज करना पड़ता है। फिर हम पिछले महीनों का रिकॉर्ड उठाते हैं सैंपल बेस पे और देखते हैं उनमें भी रीचेकिंग साइन हुए हैं कि नहीं हुए। इंस्पेक्शन समझ आ गई? इंस्पेक्शन किन किन चीजों की होती है? डॉक्यूमेंट्स की, टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, कैश। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं ना, जब आप इन एरियाज के वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे ना, वहां पे ये एग्जांपल आपको दोबारा मिलेगी। जब आप इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर सीख रहे होंगे ना, उसमें लिखा होगा फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री। फिक्स एसेट्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर सीख रहे होंगे ना, उसमें लिखा होगा जाके इंस्पेक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल आगे आएंगी, सेल इनवॉइसेस, परचेज वगैरह। इंस्पेक्शन क्लियर हो गई, तीन प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। आगे चलते हैं रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन का मतलब ये होता है, अच्छा कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कैलकुलेट करना, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। इसमें लफज री का मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब है हम दोबारा चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले भी किसी ने चेक किया है, ओरिजिनली किसने चेक किया? क्लाइंट के एम्प्लॉइज ने। रीकैलकुलेशन का मतलब है ऐसी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना उन चीजों की जिसे क्लाइंट ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। जैसे सेल इनवॉइस है, आपको पता है सेल इनवॉइस जो बनती है उसमें रेट होता है, यूनिट्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, अगर अमाउंट्स है एडलेस होते हैं। रीकैलकुलेशन का मतलब इनवॉइसेस वगैरह की डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, जरा तकसीम जमा माइनस ठीक हुई कि नहीं। मैं सेल इनवॉइस का सैंपल उठाया और देखा उसमें एडलेस ठीक हुआ, कैलकुलेशन ठीक हुई कि नहीं, कौन सा प्रोसीजर है? रीकैलकुलेशन, चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। जैसे सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस, हमने सेल इनवॉइस का सैंपल उठाया और मैथमेटिकली चेक किया रिकॉर्डिंग ठीक हुई कि नहीं, कैलकुलेशन ठीक हुई कि नहीं। जैसे ड्यूरिंग द ईयर कुछ फिक्स एसेट्स डिस्पोज किए गए थे, हमने उनका सैंपल स्प्रेड किया और चेक किया प्रॉफिट सही कैलकुलेट हुआ कि नहीं, डेटर्स की लिस्ट का टोटल किया कि वो कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच करता है कि नहीं, कल बात हुई थी ना कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर की, ठीक है।
तो वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है। जो बोनस पेड किया एम्प्लॉय को, कैलकुलेशन करना सही कैलकुलेट किया गया कि नहीं, ये क्या रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन का मतलब क्या, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड में जो अमाउंट्स अपीयर हो रही हैं, हम उन अमाउंट्स को रीचेक करते हैं, रीकैलकुलेशन। अच्छा, एक है प्रोसीजर रीकैलकुलेशन, एक है रीपरफॉर्मेंस, दोनों में फर्क है। बल्कि पहले मैं क्या आपको बता दूं, ये प्रोसीजर ना ओवरलैप करते हैं समटाइम। आप ये नहीं कह सकते कि जब एक वक्त में एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होगे तो दूसरा नहीं कर रहे होगे, नहीं नहीं, बाजू का हाँ बिल्कुल। अगर मैं ये सेल इनवाइस है, इसको मैंने उठाया और मैं चेक कर रहा हूं, ये इंस्पेक्शन भी है और रीकैलकुलेशन भी साथ, और शायद ऑब्जर्वेशन भी है क्योंकि मैं देख भी तो रहा हूं। तो ये प्रोसीजर जो है ये ओवरलैप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप एक प्रोसीजर एक परफॉर्म करोगे तो दूसरा कर ही नहीं रहे होंगे, हो सकता है एक वक्त में दो प्रोसीजर भी कर रहे हो। अच्छा, अब मैं आपको अब फर्क सुनिएगा जरा, फर्क बता रहा हूं रीकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस का। रीकैलकुलेशन का तल्लुक सिर्फ अमाउंट्स की चेकिंग तक होता है, जब आप क्लाइंट के किए गए काम में सिर्फ अमाउंट्स की चेकिंग करें रीकैलकुलेशन, लेकिन जब आप उसका पूरे का पूरा प्रोसेस दोबारा खुद से कर रहे हो, यह है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस में नंबर के साथ साथ होल प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म होता है। जैसे फर्ज कीजिए क्लाइंट ने अगर एजिंग ऑफ डेटर्स बनाई और मैं ये कहता हूं कि सर मैं जरा चेक करूं टोटल करके एजिंग रिपोर्ट का टोटल टोटल के डेटर से मैच करता है कि नहीं करता, ये रीकैलकुलेशन है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं खुद एजिंग रिपोर्ट बनाऊंगा लिस्ट ऑफ डेटर लाइक, ये रीपरफॉर्मेंस है। अगर मैं कहता हूं सुनिए, अगर मैं कहता हूं ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टोटल करके देखता हूं टैली होता है कि नहीं होता, और अगर मैं कहता हूं जी जीएल मेरे सामने लाए ट्रायल बैलेंस खुद बनाऊंगा, रीपरफॉर्मेंस इज मच मच ग्रेटर देन रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन का ताल्लुक सिर्फ अमाउंट से है, रीपरफॉर्मेंस का ताल्लुक पूरा प्रोसीजर दोबारा कर रहा है, ठीक है जी। रीपरफॉर्मेंस शाबाश, रीपरफॉर्मेंस में रीकैलकुलेशन भी आ जाएगा क्योंकि वो अमाउंट आप खुद लिख रहे हैं, ठीक। चलिए अच्छा आगे चल रहे हैं, रीकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस समझ आ गया। फिर है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड पे इसलिए रखे सबसे ज्यादा अहम, हाँ वो एंड पे इसलिए रखे ना सबसे ज्यादा अहम। अब सुनिए एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब, जरा गौर से सुनिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब इवैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसको कहते हैं, वेरीफाई करने का। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली अमाउंट्स को, जैसे सेल्स परचेज पेरोल डेटर्स क्रेडिटर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है वेरीफाई करना किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली अमाउंट्स को, कैसे, थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप, थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, पिछले साल के साथ साल का, बहुत आसान शाबाश पिक कर लिया आपने। प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, आपने स्टैट में लफ्ज पढ़ा कोरिलेशन, किसको कहते हैं, एक चीज जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही हो कहते हैं कोरिलेशन है, हाँ ठीक है वो आगे होता है ऊंच नीच दोनों होती है। लेकिन अब सुने सुने, यानी अगर इसी तरह सुने, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिस्टम कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की ब्यूटी ये है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर, सम टाइम एक कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि एक बढ़े तो दूसरा अकाउंट भी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे सेल्स और सेल्स बढ़ी डेट। चलो इससे भी अच्छी एग्जांपल, फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट बढ़ेंगे दोनों में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। और एग्जांपल लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन और इंटरेस्ट प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा लोन दूसरा भी बढ़ेगा। सेल्स और सेलिंग एक्सपेंसेस प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, सेल्स बढ़ेगी सेलिंग, लेकिन कुछ अकाउंट्स में प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं होता। रिपेयर एक्सपेंस एंड शेयर कैपिटल प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, जिन एरियाज में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ना, और आपको पता चल जाए अगर कि इनमें प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, आप एक को वेरीफाई करें दूसरा चुटकियों में हो जाता है। पता चल गया फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, डेप्रिसिएशन को लहदा से चेक करने की जरूरत नहीं, आप फिक्स एसेट को वेरीफाई करके डेप्रिसिएशन रेट लगाएं तकरीबन वही आ गया, इसका मतलब है एक्सपेंस भी वेरीफाइड। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके मल्टीप्लाई करें अगर वही इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वेरीफाइड, प्लॉजिबल रिलेशनशिप, समझ आया। अब जरा सुनिएगा कंसेप्ट, प्रोसीजर मैंने क्या बताया, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन रीपरफॉर्मेंस रीकैलकुलेशन सेंट्रल कंफर्मेशन एनालिटिकल प्रोसीजर। बाकी में मुझे कोई इशू नहीं है, जहां पे स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसको मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूँ।
सर सुन क्या कहता है सर, रिकैलकुलेशन में और एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या फर्क है? इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर, फर्क क्या? सुन लीजिए, सुन लीजिए, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम वेरीफाई कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होने वाली फिगर को, जबकि रिकैलकुलेशन में हम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग रिकॉर्ड होता है उसको चेक कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। जैसे फर्ज कीजिए, शाबाश, सेल इनवॉइसेस। अब जरा सुनिएगा, प्रोसीजर दो आपके सामने रख रहा हूं, टेक्निकल कंसेप्ट है, अटेंटिव होकर सुनिएगा। आपने बताना है कौन सा रिकैलकुलेशन है, कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर, मैंने सेल इनवॉइसेस का सैंपल उठाया, सेल्स आ रही थी 10 लाख की, उसका टी अकाउंट खोला, उसमें 1000 आइटम्स थी, मैंने 150 का सैंपल उठाया और देखा उनकी रिकॉर्डिंग अमाउंट्स वगैरह सही कैलकुलेट हुई है कि नहीं। दूसरा, मैंने सेल्स देखा, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आ रही 10 लाख, मैंने क्लाइंट से पूछा अभी क्या बेचा, उन्होंने कहा सर ये यूनिट हमारा 10 रुपए का बेचते हैं, कितने यूनिट बेचे? 1 लाख। मैंने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 10 से, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का सेल्स के साथ प्लाजिबल रिलेशनशिप है। मैंने ये प्लाजिबल रिलेशनशिप बना के सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया और सेल्स वो वाली फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रही थी उसको वेरीफाई किया। ये क्या एनालिटिकल प्रोसीजर, क्लियर हुए? अभी नहीं, एक और एग्जांपल, मैं सैलरीज एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहा हूं, मैंने मार्च के अप्रैल के महीने की पेरोल शीट निकाल ली, उसमें सैंपल बेस पे कुछ एम्प्लॉयज को चेक किया कि इनकी सैलरी सही कैलकुलेट हो रही है कि नहीं, शाबाश रिकैलकुलेशन। और फिर मैंने क्लाइंट से पूछा तो मुझे पता चला कि 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं फैक्ट्री में, हर एम्प्लॉय की 20,000 तनख्वाह है, मैंने 500 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 से भी मल्टीप्लाई किया और देखा जो इनकम स्टेटमेंट में पेरोल एक्सपेंस है उसके बराबर है कि नहीं। एनालिटिकल क्यों? इसमें इनकम स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली अमाउंट वेरीफाई हो रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस इनमें रखिएगा, कॉमन क्या है, रिकैलकुलेशन एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों अमाउंट से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी भी टी अकाउंट का डिटेल में सैंपल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करें और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करें वो रिकैलकुलेट, और जब आप ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में अपीयर होने वाली अमाउंट को वेरीफाई कर रहे हो टोटल फिगर को, वो एनालिटिकल प्रोसीजर होती है। और आपको मजे की बात बताऊं, जब आप जाएंगे ना फर्म में काम करने के लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर हमेशा परफॉर्म करेगा सीनियर और आप हमेशा परफॉर्म करेंगे रिकैलकुलेशन, इसमें खुआरी ज्यादा है, ये बैठे बैठे हो जाते। लेकिन जब आप सीनियर बन जाएंगे तब आप भी यही करेंगे। आखिरी प्रोसीजर, 4-5 मिनट हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? ऑब्टेनिंग एविडेंस डायरेक्टली, डायरेक्टली समझ आया भाई? कौन था ये? हाँ, डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इसका मतलब है पहले दो पार्टी कौन है, ऑडिटर और क्लाइंट, थर्ड पार्टी इन रिटर्न, जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स या बैंक लॉयर। लेकिन आप नोट कीजिए, डेटर क्रेडिटर्स भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, बैंक्स और लॉयर्स को भी करते हैं, लेकिन मैंने इनके दो लाइनें बनाई। क्या इत्तफाक की बात है कि इसमें कोई हिकमत होगी? हिकमत सुने इसमें, डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, बैंक्स और लॉयर्स को भी। चले मैं आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों में या इससे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, किस कैटेगरी से ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है? बैंक और लॉयर्स, शाबाश। इसीलिए हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स का कंफर्मेशन लेटर सेंड करो ना सैंपल बेस में करो, लेकिन बैंक्स और लॉयर्स को 100% करो। फिर आगे एक और जवाब देते हैं, कहते हैं बैंक डेटर्स और क्रेडिटर्स से अगर जवाब ना आए कोई बात नहीं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ले लो, याद है इनवॉइसेस पढ़ी ना। लेकिन अगर बैंक और लॉयर से कंफर्मेशन लेटर नहीं मिलता, नहीं नहीं फिर बात है, फिर रिपोर्ट मॉडिफाई करनी होगी, डायरेक्टर वगैरह से बात कर रहे, इनसे एविडेंस लेना ही लेना, इनसे सैंपल बेस पे, और अगर कुछ नहीं भी देते अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ले लें। क्लियर होगी बात जी? हाँ, बैंक और लॉयर के अल्टरनेटिव प्रोसीजर कोई नहीं है, ना ना ना, सोचना भी ना, सोचना भी ना। क्लियर हो गए? चलिए एंड पे सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए, रटा शटा तो आप लगा लेंगे, पूरा कॉन्फिडेंट हूं, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए छोटी सी एग्जांपल, मैं आपको प्रोसीजर बताता जाऊंगा, 2 मिनट में आपने बताते जाना है प्रोसीजर कौन सा है, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए सही समझ आएगी नहीं आई, ठीक है? शांति आत्मा, ठीक। मैं CFO के पास गया, मैंने CFO से पूछा सर
कैसे हैं आप? इंक्वायरी ये कोई इंक्वायरी नहीं, ये ऑडिट पर्पज के लिए इरेलीवेंट है। मैंने कहा सर आपके कितने बैंक अकाउंट्स है? उसने कहा 15। इंक्वायरी है, बैंक अकाउंट पूछा है, ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है कितने बैंक अकाउंट है। पता भी नहीं, पर्सनल थोड़ी बता रहा हूँ, कंपनी के। उसने कहा 15। मैंने कहा अच्छा ज्यादातर ट्रांजैक्शन किस बैंक अकाउंट में होती है? कहता है माल रोड वाली ब्रांच में। ये क्या है? इंक्वायरी। मैं कहा हर मंथ एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा कौन बनाता है? वो कैशियर बैठा हुआ अभी भी बना रहा है। ये भी इंक्वायरी। अरे अब हम जाके देखें उधर कोने में बंदा बैठा कुछ लिख रहा है, ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? हम उसके पास गए, हमने कहा दिखाइए हमें क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्शन, शाबाश। अच्छा इंस्पेक्शन, इसके बाद हमारी तसल्ली नहीं हुई, हमने कहा वो बीआरएस के क्वेश्चन करते थे ना अनप्रेजेंटेड और टोटल गलत होता था, टोटल करके देखे, रिकैलकुलेशन। फिर हमने कहा अभी भी तसल्ली नहीं हुई, लाओ बैंक स्टेटमेंट लाओ, लाओ जीएल लाओ, हम अपने हाथों से बीआरएस बनाएंगे। ये क्या री परफॉर्मेंस, शाबाश। फिर भी हमारी तसल्ली, हमने कहा इसमें जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वो तो कैश बुक से मैच कर लिया, जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है वो ब्रांच मैनेजर को फोन करके पूछा कितना है, बिल्कुल गलत प्रोसीजर। मैंने कहा ब्रांच मैनेजर को फोन करके पूछा, ये इंक्वायरी। और अगर रिटर्न फॉर्म में पूछूं, रिटर्न फॉर्म में ब्रांच मैनेजर से पूछूं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी नहीं चाचू, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन नाम ही इसी चीज का। और तो गयो चले, अच्छा सुन इंक्वायरी एक्सटर्नल। लेकिन ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने क्या दिया ना कि जब कभी डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक को, लॉयर्स को रिटर्न फॉर्म में भेजेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही होगी। फिर इसके बाद हाँ फिर भी शांति अभी नहीं, मैंने कहा जरा ये बैंक जो लोन एक्सपेंस आ रहा है जरा लोन एग्रीमेंट तो पढ़ लूं क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंडीशन वगैरह। ये इंस्पेक्शन, लोन एग्रीमेंट पढ़ना, इंस्पेक्शन। और फिर मैंने कहा अच्छा देखता हूं क्या, गौर से सुनिएगा, इनकम स्टेटमेंट में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर आ रही है लोन की अमाउंट से मल्टीप्लाई करके देख, ये कंफर्म बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये रिकैलकुलेशन है, कितनों का ख्याल है एनालिटिकल प्रोसीजर? शाबाश, ये एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ अब शांति मिल गई। अच्छा आज आपने घर जाके इसको पढ़ लिया, और आसपास पे एग्जांपल्स, एग्जांपल्स लाजमी पढ़नी और खुद से पूछनी है, खुद से। अच्छा मैं अकाउंटेंट के पास जाऊंगा, परचेज वाले के पास क्या पूछूंगा, सैलरी वाले के पास क्या, रिपेयर वाले के पास क्या, डेटर वाले के पास क्या, हर खुद से अज्यूम करके ना इंक्वायरी पूछनी है, इससे आपके प्रोसीजर डेवलप करने की, बनाने की एबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।